सो हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को एक और बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है CBSE क्लास 10th एंड 12th 2020 का रिज़ल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके रिज़ल्ट में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है ड्यू टू, आप सबको पता है रीज़न, कोरोना वायरस के कारण। बिकॉज अभी तक ये चल रहा था दोस्त कि आपका पेपर होगा, बट जब हाई कोर्ट आया बीच में तो उसने कहा नहीं होगा। तो इसी के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे पता चला है या फिर ये कंफर्म ही समझ लो आप, विद इन अ वीक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दोस्त मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, पहले क्लास 12th का रिज़ल्ट आएगा, फिर क्लास 10th का रिज़ल्ट आएगा। बिकॉज क्लास 12th के रिज़ल्ट के पीछे का एक रीज़न होता है कि उनको फिर कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है। और ये मतलब बहुत पहले से CBSE ऐसा ही करती है, पहले क्लास 12th का निकालती है, फिर विद इन अ 4 या 5 डेज के बाद आपका 10th का आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, और मुझे लग रहा है कि दोस्त अभी ही आ जाएगा रिज़ल्ट, आप टेंशन मत लो। 7 दिन बचा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ यार, क्यों ना आप सबसे थोड़ी बातचीत किया जाए रिज़ल्ट के ऊपर, आप सबके क्या ओपिनियन है ये सब पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ी बातचीत किया जाए। और इस चैनल पे इसी के रिलेटेड अभी बहुत सारी वीडियोस आएगी, और जिस दिन भाई रिज़ल्ट आए उस दिन मैं लाइव करूँगा। तो हो सकता है तो भाई आप भी ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ और हमारे को बता सकते हो यार कैसा रहा आपका रिज़ल्ट। और टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्या करना है क्या नहीं करना ये सब हो रहा होगा, तो उन सब की टेंशन आप बिल्कुल ना लें। और अब एक चीज़ बात बता दूँ, CBSE ने 30% सिलेबस भी रिड्यूस किया, बहुत से लोगों को पता चल गया। लेकिन बच्चों में ये है कि भाई क्या क्या रिड्यूस किया है। फॉर एग्जांपल जो बच्चा 10th में है वो 11th में कोई भी स्ट्रीम लेगा तो उसमें 30% उसको रिड्यूस मिलेगा। तो उस पर भी आपका भाई पूरी पूरी सीरीज़ आएगी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की, उसके लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। और दोस्त पूरे 2 साल के बाद मैं इस चैनल पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो वो वीडियो भी मैंने तब डाली थी जब क्लास 10th का रिज़ल्ट आया था। तो इसीलिए दोस्त मैं आप सबको सिंपली एक चीज़ कह रहा हूँ यार, मतलब सपोर्ट कर दो। और अगर अभी आप मतलब यहाँ तक अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना दोस्त, तो भाई लाइक का बटन दबा दो कि मुझे भी अच्छा लगे और आप सबको भी तो अच्छा लगे। और हाँ भाई, होप फॉर द बेस्ट कि यार आपका क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ज़्यादा टेंशन मत लो यार, अगर किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बिकॉज़ इस टाइम ऐसा हो जाता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भाई मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके मुझे बता सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होगी तो मैं आपको जीमेल पे ही अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं दोस्त। सो ज़्यादा टेंशन मत लो और भाई बी रिलैक्स, आने वाला रिज़ल्ट जो होगा देखा जाएगा। एट द एंड बस भाई यही कहूँगा यार, आराम से करो, आराम से पढ़ाई करो। मैंने यहाँ पे नेट ऑफ रखा हुआ है, आराम से पढ़ाई मत करो अभी बस भाई थोड़ी देर। और हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो कि भाई आगे क्या करना है या फिर क्या स्ट्रीम क्या सोचा है, तो उस पर भी इस चैनल में भाई सब कुछ आने वाला है, आप टेंशन मत लो, इस चैनल पर सब कुछ आएगा। सो हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।